शम्मू बॉर्डर पर किसानों का बड़ा कारवां यहां पर जुटना शुरू हो गया है और दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लाइन बंद ट्रैक्टर जो हैं वो यहां पर खड़े हो रहे हैं। लगातार किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ हैं किसान। इस बार भी किसानों से हमने बातचीत भी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनके जो लीडर हैं, उनके जो आगू हैं, अगर वो आदेश देंगे तो 2 घंटे के अंदर शम्भू बैरियर पर पुलिस की जो तैयारियां हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और इस ओर आप देखिए किस तरीके से किसान जोश में है, किस तरीके से ट्रैक्टरों में जो है वो चढ़ करके किसान यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लंगर जो है वो यहाँ पर लगने शुरू हो चुके हैं। किसानों के लिए लंगर का पूरा इंतजाम किया गया है, किसानों के लिए लंगर लगाया गया है। कहाँ से आए हैं आप? असी जीरकपुर तो आए हैं जी। असी हर रोज़ लंगर नाडा साहब भी लैके जाए चार बना के अज सोचा उत्थे बरता के उस तो बाद सोचा भी इधर आइए। गुरु नानक पातशाह का लंगर है, गुरु नानक पातशाह की संगत है, इस करके अस इतना लंगर लेके आए। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं अचार है और रोटी है और किसानों के लिए ये जो लंगर है ये यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो किसान सुबह से दूर दराज के इलाकों से चले हुए हैं उन्हें भूखा ना रहना पड़े। और एक बार फिर मैं आपको बड़े कारवां जो है वो एक दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर किसानों का ट्रैक्टरों का जो कारवां है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जहाँ तक नज़र हमारी जा रही है कैमरे की नज़र से हम आपको दिखाएं वहाँ तक जो है वो, और ऊपर ड्रोन से पूरी नज़र जो है वो पुलिस भी रख रही है। आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन कैमरे हैं ये एक नहीं दो नहीं कई ऐसे ड्रोन कैमरे हैं जिनसे हर मूवमेंट को कैच किया जा रहा है। और शम्भू बॉर्डर पर किसानों जो जुट रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार पुलिस की भले ही कैसी भी तैयारियां रही हों लेकिन इस बार इनकी जो तैयारियां हैं वो किसी भी तरह से पुलिस से कम नहीं है। बड़े बड़े जो हाइड्रा हैं वो पीछे से लेकर आए जा रहे हैं, 4x4 ट्रैक्टर्स जो हैं उनको इस्तेमाल में किया जा रहा है। और जब भी इनके नेता इन्हें आदेश करेंगे उसके तुरंत बाद ये शम्भू बॉर्डर पर एक भी रोड़ा नहीं रहने देंगे। अम्बाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सबरवाल।